हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एनसीईआरटी शिक्षक. आई एम प्रभावी मिश्रा. हमने क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 4 कंबशन एंड फ्लेम बहुत अच्छे से समझा था, तो आज हम उसी चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 इज लिस्ट कंडीशंस अंडर विच कंबशन कैन टेक प्लेस. आपको ऐसी कंडीशंस बतानी है जिनके अंदर कंबशन होता है. ठीक है, आंसर इज द कंडीशंस अंडर विच कंबशन टेक्स प्लेस आर प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, यानी फ्यूल होना चाहिए. ठीक है, जो भी ऐसा सब्सटेंस जो भी कंबस्ट हो जाए उसी को ही हम फ्यूल कह देते हैं. नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ एयर या फिर ऑक्सीजन. ये बात आप लिखे चाहे ना लिखे, अगर आपको नहीं याद रहता तो मत लिखिए, कोई बात नहीं है. मतलब ऑक्सीजन या एयर की प्रेजेंस होनी चाहिए. और ये कितना जरूरी है ये दिखाने के लिए मैंने एक शॉर्ट में वीडियो पढ़ी है, तो आप वहां से देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो आग है वो बुझ जाती है. ठीक है, तो ये क्या है, ऑक्सीजन क्या है, ये सपोर्टर ऑफ कंबशन. और थर्ड है अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है ये भी मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में समझाया है. तो जब कोई भी सब्सटेंस अपने इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंचेगा तभी वो बर्न होता है. ठीक है, तभी वो कंबस्ट होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज फिल इन द ब्लैंक्स. बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉजेस ब्लैंक ऑफ एयर. कोल और वुड को जब हम बर्न करते हैं तो वो क्या कॉज करता है, पोल्यूशन कॉज करता है ना. जो उसका स्मोक निकलता है वो एयर में जाता है, या फिर उसके जो ऑक्साइड्स हैं या जो गैसेस पॉइजनस गैसेस रिलीज होती हैं, तो वो सब एयर पोल्यूशन कॉज करती हैं. ठीक है, अ लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम इज. ऐसा कौन सा लिक्विड फ्यूल है जो हम होम में यूज करते हैं. मैं यहाँ पे एलपीजी लिख रही हूँ. ठीक है, इसकी जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसकी फुल फॉर्म लिखिएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. ठीक है, आप यहाँ पे केरोसिन ऑयल या फिर कुकिंग ऑयल भी लिख सकते हैं. ठीक है, आपको जो भी याद रहे. फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स ब्लैंक बिफोर इट स्टार्ट्स बर्निंग. फ्यूल कब बर्न होना स्टार्ट होता है, जब वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच जाता है ना. तो इग्निशन टेम्परेचर तक पहले उसे हीट होना पड़ता है, तभी वो फायर कैच करेगा. ठीक है, फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय. जो ऑयल की वजह से फायर लगी होती है उससे हम किससे नहीं कंट्रोल कर सकते, वाटर है ना, क्योंकि वाटर हैवियर होता है ऑयल से और ये नीचे जाकर के बैठ जाएगा, तो उसके ऊपर ऑयल फ्लोट करता रहेगा और वो उसे एयर की सप्लाई होती रहेगी, इसलिए वो बर्न होता रहेगा. तो जो ऑयल से लगी हुई फायर है उसे हम कैसे कंट्रोल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से. क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स हैज रिड्यूस्ड पोल्यूशन इन आवर सिटीज. आपको बताना है कि सीएनजी का जब से हम ऑटोमोबाइल्स में यूज करने लग गए हैं तो उसने कैसे सिटीज के पोल्यूशन को कम किया है. आंसर इज सीएनजी इज अ क्लीन फ्यूल एंड डज नॉट गिव स्मोक व्हेन बर्न्ड एज कम्पेयर टू अदर पेट्रोलियम कंटेनिंग फ्यूल्स लाइक पेट्रोल एंड डीजल. हमें पता है कि सीएनजी को हम क्लीनर फ्यूल भी कहते हैं. क्यों, क्योंकि ये बहुत ही कम या फिर ये बिल्कुल भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता है. और जो अदर पेट्रोलियम कंटेनिंग फ्यूल्स होते हैं जैसे कि पेट्रोल और डीजल, ये बहुत ज्यादा पोल्यूशन करते हैं ना. सीएनजी बर्न्स कम्प्लीटली लीविंग नो हार्मफुल रेसिड्यू. इसका एक ये भी बहुत अच्छा बेनिफिट है कि ये पूरी तरीके से बर्न हो जाता है. ठीक है, और ये अपने पीछे कोई भी हार्मफुल रेसिड्यू नहीं लीव करता है. While the combustion of fuel leaves unburned carbon particles, और वो unburned carbon particles जो होते हैं वो कई सारी respiratory diseases कॉज करते हैं और air pollution भी करते हैं. हमने chapter पढ़ाते टाइम ये पढ़ा था. In the air, along with carbon monoxide, poisonous and harmful gas, और ये क्या produce करते हैं जो other fuels होते हैं, वो carbon monoxide, उनका जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं जो कि बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है. इतना ज्यादा पॉइजनस होती है ये गैस कि अगर बंद रूम में हम कोल जला करके सो जाए ना तो कई बार पर्सन की डेथ हो जाती है. हेंस द यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स हैज रिड्यूस्ड पोल्यूशन इन आवर सिटीज. तो इसीलिए क्योंकि सीएनजी
क्लीनर फ्यूल है, ये स्मोक बहुत कम प्रोड्यूस करता है, ये कम्प्लीटली बर्न होती है और ये ज्यादा हार्मफुल रेसिड्यूज नहीं लीव करती है, तो इसीलिए इसका ऑटोमोबाइल्स में यूज पोल्यूशन को कम करता है। क्वेश्चन नंबर फोर इज कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज फ्यूल्स। आपको एलपीजी और वुड को कंपेयर करना है, तो आप ऐसे ही एक टेबल बना लीजिए, एक साइड में आपको एलपीजी लिखना है और एक साइड में वुड। एलपीजी हैज अ हायर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ 55,000 किलो जूल पर किलोग्राम। आपको देखिए, वैसे एलपीजी और सीएनजी इनकी की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो आपको याद रखनी है, केरोसिन डीजल पेट्रोल इनकी भी सेम होती है तो उनकी भी आप आसानी से याद रख सकते हैं, तो अगर आपको याद रहती तो ठीक है, अगर नहीं भी रहती है तो आप वैल्यू मत लिखिएगा, आप बस हायर कैलोरीफिक वैल्यू भी लिख देंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। और वुड हैज अ लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, यहाँ पे आपको अगर वैल्यू नहीं याद रहती तो कोई बात नहीं, याद रहती है तो आप लिख दीजिएगा, कितनी होती है 17,000 to 22,000 किलो जूल पर किलोग्राम। ऑन बर्निंग, जब हम एलपीजी को बर्न करते हैं तो क्या होता है, इट लीव्स नो रेसिड्यू, ये कोई भी अपने पीछे कोई भी रेसिड्यू नहीं लीव करता है, और जब हम वुड को बर्न करते हैं तो इट लीव्स एश एस रेसिड्यू, ये राख छोड़ता है अपने पीछे, है ना। और एलपीजी कॉजेस लेस पोल्यूशन, एलपीजी से कम पोल्यूशन होता है, और वुड कॉजेस मोर पोल्यूशन, एलपीजी गिव्स नो स्मोक, जो ये गैस स्टोव होते हैं उनको जब हम जलाते हैं तो कोई भी स्मोक निकलता है, नहीं निकलता है ना, और जबकि वुड गिव्स अ लॉट ऑफ स्मोक, जब भी लकड़ियां जलती हैं तो कितना सारा स्मोक प्रोड्यूस होता है ना, और वो एयर पोल्यूशन कॉज करता है। एलपीजी कैन बी ट्रांसपोर्टेड इजिली इन सिलेंडर्स और पाइपलाइंस, एलपीजी को आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है सिलेंडर्स या पाइपलाइंस में, और वुड इज डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट, है ना, कैसे, क्योंकि एक तो ये बहुत ज्यादा हैवी होती है, ऊपर से ये जगह भी बहुत ज्यादा घेरती है, तो इनका ट्रांसपोर्ट जो है वो डिफिकल्ट होता है। एलपीजी इज अ लिक्विड फ्यूल, एलपीजी क्या होता है, वो लिक्विड फ्यूल होता है, ये जो ये पेट्रोलियम गैस है उसी को ही हम बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में ही तो सिलेंडर में लिक्विड फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, तो एलपीजी एक लिक्विड फ्यूल है, और वुड कैसा फ्यूल है, ये एक सॉलिड फ्यूल है। देखिए, मैंने यहाँ पे ये मानकर चला कि आपका ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, ठीक है, तो इसीलिए मैंने 6 पॉइंट्स लिख दिए हैं, आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग ही लिखने हैं, ठीक है, अगर 3 मार्क्स का है तो आप 3 या 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं, तो इसी तरीके से आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिव रीजंस, ठीक है, आपको रीजन बताने हैं, उसका ए पार्ट है, वाटर इज नॉट यूज्ड टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी से लगी हुई फायर को कंट्रोल करने के लिए हम वाटर का यूज क्यों नहीं करते हैं। वॉटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देखिए यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो प्योर वॉटर होता है, प्योर वॉटर बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, लेकिन प्योर वॉटर अवेलेबल ही नहीं है, प्योर वॉटर हमें अवेलेबल नहीं होता है, इसीलिए एक जनरल टर्म्स में मान लेते हैं कि वॉटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, एक्चुअली ऐसा वॉटर जिसमें इम्प्योरिटीज होती है वही सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, ये चीज माइंड में रखिएगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे जनरल टर्म्स में लिखा है, ठीक है, तो वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है। इफ यूज्ड इन फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इट विल कॉज इलेक्ट्रिक शॉक्स और शॉर्ट सर्किट, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी से लगी हुई आग को बुझाने के लिए वाटर का यूज करेंगे तो हमें झटका लग जाएगा, है ना, शॉक लग जाएगा, या शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, क्योंकि वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देगा और हमें एकदम से इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा, कई बार शॉक इतना ज्यादा हार्ड होता है कि पर्सन की डेथ भी हो जाती है। हेंस वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, बस इसीलिए हम वाटर का यूज नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से लगी हुई आग को बुझाने के लिए। आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो ब्रैकेट में, या यहीं पे आगे इसके इम्प्योर ऐड कर सकते हो, इम्प्योर वाटर, ठीक है, क्योंकि प्योर वाटर अवेलेबल नहीं होता है मोस्टली। अब इस क्वेश्चन के बी पार्ट में हमें बताना है कि एलपीजी कैसे एक बेटर डोमेस्टिक फ्यूल है वुड की अपेक्षा।
देखिए इसका आंसर जो है वो हमने जब हमें एलपीजी और वुड में कंपेयर करना था तभी हमने समझ लिया था, वही चीजें हमें फिर से यहाँ पे लिख देनी है। पहले क्या होता था कि हम बहुत ज्यादा मात्रा में वुड का यूज करते थे फ्यूल के लिए, है ना, तो उसके लिए बहुत सारे जंगल काटे जाते थे, कितना ज्यादा पोल्यूशन होता था, कितना सारा स्मोक प्रोड्यूस होता था, कई सारी रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज हो जाती थी, है ना, तो वो बहुत हार्मफुल था हमारे एनवायरनमेंट के लिए। एक तो डिफॉरेस्टेशन भी करना पड़ता था कि एक बहुत ही लार्ज स्केल पे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। तो इसीलिए अब उनकी जगह पे एलपीजी और सीएनजी इन चीजों का यूज किया जा रहा है, जो कि एक अच्छी चीज है। तो इसके आंसर में हमें क्या लिखना है, एलपीजी इज इजी टू ट्रांसपोर्ट कंपेयर टू वुड। नेक्स्ट पॉइंट, इट रिक्वायर्स लेस स्पेस देन वुड। ऑन बर्निंग एलपीजी डज नॉट लीव एनी रेजिड्यू। एलपीजी डज नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन। एलपीजी गिव्स आउट मोर हीट एनर्जी देन वुड। हेंस एलपीजी इज अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। इसका सी पार्ट है, पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर इजीली, वेयर एज अ पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्यूमिनियम पाइप डज नॉट। जो पेपर होता है वो आसानी से फायर कैच कर लेता है, लेकिन वही पेपर अगर हम किसी एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेट दे तो वो आसानी से आग नहीं पकड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है, द इग्निशन टेम्परेचर रिक्वायर्ड बाय पेपर टू कैच फायर इज लो। जो पेपर को आग पकड़ने के लिए जो पेपर का इग्निशन टेम्परेचर होता है वो काफी कम होता है, ठीक है, सो पेपर बाय इटसेल्फ कैच फायर इजीली, तो इसीलिए पेपर आसानी से फायर कैच कर लेता है। व्हाइल पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्यूमिनियम पाइप डज नॉट, बिकॉज एल्यूमिनियम बीइंग अ मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड एब्जॉर्ब्स द हीट एनर्जी, पेपर इज नॉट एबल टू अटेन द इग्निशन टेम्परेचर। तो जब हम किसी एल्यूमिनियम के पाइप के चारों ओर किसी पेपर को रैप करते हैं तो एल्यूमिनियम हमें पता है कि ये एक मेटल है और ये हीट का गुड कंडक्टर होता है, तो जो भी हम पेपर को हीट देंगे वो हीट एल्यूमिनियम एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जिसकी वजह से पेपर को वो हीट मिल नहीं पाएगी और पेपर का टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसीलिए जो पेपर एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर रैप होता है वो आसानी से फायर नहीं कैच करता है, जबकि सिर्फ पेपर वो आसानी से फायर कैच कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको वेल लेबल्ड डायग्राम ड्रॉ करना है कैंडल फ्लेम का। तो चैप्टर पढ़ाते टाइम मैंने आपको बहुत अच्छे से डायग्राम दिखाया था कि कैसा होता है कैंडल की फ्लेम को हम 3 जोन्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है नॉन ल्यूमिनस जोन, जो कि सबसे आउटर मोस्ट होता है और ब्लूइश होता है। सेकेंड जो बीच में होता है वो मॉडरेटली हॉट जोन होता है, वो होता है ल्यूमिनस जोन, जो कि येलोइश होता है। और सबसे अंदर की तरफ इनर मोस्ट जोन जो होता है वो होता है डार्क जोन, ठीक है। तो जो आउटर मोस्ट जोन होता है नॉन ल्यूमिनस जो ब्लू कलर का होता है वो हॉटेस्ट मोस्ट हॉटेस्ट पार्ट होता है। तो आपको मैंने डायग्राम दिखाया था, आपके बुक में भी बना हुआ है, तो आपको वही डायग्राम ड्रॉ करना है। और आपको ये डायग्राम जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो इसमें कलरफुल डायग्राम बनाना है, ठीक है, इसलिए क्योंकि इसमें जो ये डिफरेंट कलर्स हैं उसका भी एक अपना बहुत इम्पोर्टेंस है, तो इसीलिए आपको ये डायग्राम कलरफुल ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 7 इज नेम द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड। जो फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू होती है उसे हम किसमें एक्सप्रेस करते हैं, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल्स पर किलोग्राम, ठीक है, स्मॉल के जे अपॉन के जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड इज एबल टू कंट्रोल फायर्स। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे फायर को कंट्रोल करती है, देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी से लगी हुई फायर होती है या जो ऑयल से जनरेट होती है फायर, तो उस फायर को कंट्रोल करने के लिए CO2 बेस्ट होता है। CO2 इज अ नॉन कम्बस्टिबल गैस, ये फायर नहीं कैच करती है, ये नॉन कम्बस्टिबल है।
एंड एक्सटिंग्विशेस फायर इन टू वेज, और दो तरीकों से फायर को एक्सटिंग्विश करती है. फर्स्ट इज इट इज हैवियर देन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन से हैवी होती है एंड इट कवर्स द फायर लाइक अ ब्लैंकेट. तो जब ये ऑक्सीजन से हैवी है तो ये फायर को पूरी तरीके से कवर कर लेती है, जैसे ब्लैंकेट कवर करता है उसी तरीके से. एंड कट्स ऑफ द कॉन्टेक्ट बिटवीन ऑक्सीजन एंड फ्यूल, जिससे क्या होता है फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच का जो कॉन्टेक्ट है वो कट हो जाता है, क्योंकि बीच में तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लैंकेट की तरह घेरे हुए है, तो जब एयर नहीं मिल पाती है तो उससे फायर कंट्रोल हो जाती है. नेक्स्ट, व्हेन रिलीज्ड इट एक्सपेंड्स एनॉर्मसली, दिस ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल. और जब ये रिलीज होती है तो ये बहुत ही तेजी के साथ में फैलती है, उसकी वजह से क्या होता है जो फ्यूल है उसका टेम्परेचर गिर जाता है, वो कूल हो जाता है. तो उसकी वजह से जब वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे नहीं पहुंच पाता है तो फायर कंट्रोल हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 9 इज इट इज डिफिकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर इजीली, एक्सप्लेन. अगर खूब सारी ग्रीन लीव्स में हम आग लगाते हैं तो उन्हें जलाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जब सूखी पत्तियां होती हैं ड्राई लीव्स तो वो फायर आसानी से कैच कर लेती है. तो ऐसा क्यों है आपको एक्सप्लेन करना है. आंसर इज अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स कंटेन्स अ लॉट ऑफ मॉइस्चर इन इट. मॉइस्चर मीन्स वाटर कंटेंट, हेंस इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज हाई, देयरफॉर इट डज नॉट कैच फायर इजीली. ग्रीन लीव्स जो होती हैं उनके अंदर मॉइस्चर यानी वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो हाई होता है. वाटर उन लीव्स का इग्निशन टेम्परेचर बढ़ा देता है. आपको यहाँ पे पेपर कप वाला भी एक्सपेरिमेंट याद आ रहा होगा ना, जिस पेपर कप में हमने वाटर ऐड किया था वो वाला नहीं जल रहा था, और जबकि जो सिर्फ पेपर था वो आसानी से जल जा रहा था. तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है, जो ग्रीन लीव्स हैं उसके अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, इसी वजह से उसका इग्निशन टेम्परेचर हाई हो जाता है और इसीलिए वो आसानी से फायर नहीं कैच करती है. बट ड्राई लीव्स हैव नो मॉइस्चर कंटेंट इन इट. ड्राई लीव्स जो होती है उनमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता है, hence its ignition temperature is low, और इसी वजह से इनका ignition temperature बहुत लो होता है और वो आसानी से फायर कैच कर लेती है. तो यहाँ पे डिफरेंस जो है वो इग्निशन टेम्परेचर का है, वॉटर इग्निशन टेम्परेचर को बढ़ा देता है. क्वेश्चन नंबर 10 इज विच जोन ऑफ अ फ्लेम डज अ गोल्ड स्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर. और आपको ये भी बताना है कि क्यों. ये हमने जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने बहुत ही अच्छे से समझा था, मुझे पता है कि आपको इसका आंसर आता है, लेकिन मैंने फिर भी एक बार लिख दिया है. द गोल्ड स्मिथ यूजेस द आउटर मोस्ट नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम, आउटर मोस्ट नॉन ल्यूमिनस जोन, ठीक है, ऑफ द फ्लेम फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर बिकॉज इट अंडरगोज कंप्लीट कंबर्शन एंड इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम. जो नॉन ल्यूमिनस जोन होता है ब्लू कलर का वो हॉटेस्ट होता है ना. और अच्छा, लीस्ट हॉट कौन सा जोन होता है, डार्क जोन, है ना. डार्क जोन जो इनर मोस्ट जोन होता है वो लीस्ट हॉट होता है. क्वेश्चन नंबर 11 इज इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 kg ऑफ अ फ्यूल वॉज कंप्लीटली बर्न्ड, द हीट प्रोड्यूस्ड वॉज मेजर्ड टू बी 180,000 किलो जूल, कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल. आपको एक एक्सपेरिमेंट की बात बताई जा रही है कि उसमें 4.5 kg फ्यूल का यूज किया गया, उसे पूरी तरीके से जब बर्न हो गया तो जो हीट प्रोड्यूस हुई थी उस हीट को जब मेजर किया गया तो वो थी 180,000 किलो जूल. अब आपको कैलोरीफिक वैल्यू उस फ्यूल की कैलकुलेट करनी है. तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है हमने चैप्टर में पढ़ा था ना, और आपकी बुक में फॉर्मूला नहीं दिया है, लेकिन आपको जब चैप्टर पढ़ा रही थी तो मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखवाया था, ठीक है. कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, कोई भी फ्यूल 1 kg फ्यूल बर्न होने में जितनी भी हीट प्रोड्यूस होती है वही उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू होती है. तो हमें इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया, वेट ऑफ द फ्यूल बर्न, हमें वेट दिया गया ना 4.5 kg, और कितनी हीट प्रोड्यूस हुई थी टोटल 180,000 किलो जूल, ठीक है. और हमें फॉर्मूला भी पता है क्योंकि मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते टाइम लिखवाया था, कैलोरीफिक वैल्यू इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस अपॉन वेट ऑफ द फ्यूल बर्न्ड.
ठीक है, जितना भी हीट प्रोड्यूस हुई है उसे अगर हम डिवाइड कर दें जो फ्यूल हमने जलाया उसका जितना वेट था, तो हमें इसकी कैलोरीफिक वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो चलिए फॉर्मूले में पुट करते हैं। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस वॉज 1,80,000 किलो जूल और वेट कितना है 4.5 kg। आइए डिवाइड करते हैं। देखिए जब हम डेसिमल हटाते हैं तो हम एक जीरो बढ़ा लेते हैं, है ना। अब आप इसको डिवाइड करिए, 5 की टेबल पढ़ लेते हैं, 5 9s are 45, 5 3s are 15, 3 कैरी में जाएगा, 5 6s are 30, ठीक है, और उसके बाद में 1 2 3 4, 4 0, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 4s are 12, 0 0 0, 1 मिनट, यहाँ पे 4 0 होने थे, ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 0, तो हमारा आंसर क्या आ गया 40,000 किलो जूल पर किलोग्राम, यही हमारा आंसर हो गया, है ना। तो हम आंसर ऐसे लिख लेंगे, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इज 40,000 किलो जूल पर किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 12 इज, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबर्शन, डिस्कस। क्या ये जो जंग लगती है इस प्रोसेस को, यानी रस्टिंग के प्रोसेस को हम कंबर्शन कह सकते हैं, हमें यही डिस्कस करना है। आंसर इज द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन नॉट बी कॉल्ड कंबर्शन ड्यू टू, रस्टिंग को हम कंबर्शन नहीं कह सकते हैं, क्यों, अब रीजंस देखते हैं। कंबर्शन प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट व्हाइल नो एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इन रस्टिंग। कंबर्शन में हमने देखा था कि कंबर्शन जब भी होता है तो उसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, हीट एनर्जी या फिर लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होगी या फिर दोनों ही एक साथ प्रोड्यूस होती है, लेकिन रस्टिंग के टाइम कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट, कंबर्शन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ कंबस्टिबल सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, वेयर एज इन रस्टिंग अ मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मेटलिक ऑक्साइड। देखिए कंबर्शन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें कंबस्टिबल मटेरियल जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है, हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है, लेकिन रस्टिंग में मेटल रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ मेटलिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। अब आप कहेंगे कि मैग्नीशियम भी तो एक मेटल है और वो भी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके मेटलिक ऑक्साइड बना रहा था, बट जब हम मैग्नीशियम को बर्न कर रहे थे तो वो तुरंत से हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था, है ना, और आयरन ऐसा नहीं कर रहा है, तो रस्टिंग के टाइम पे ऐसा नहीं होता है, इसीलिए हम इसे कंबशन नहीं कह सकते। रस्टिंग इज अ वेरी स्लो प्रोसेस कंपेयर टू कंबशन, रस्टिंग बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस है, मतलब जंग लगने में काफी टाइम, कई बार महीनों लग जाते हैं या फिर कई हफ्ते लग जाते हैं, और कंबशन के साथ में ऐसा नहीं है, है ना, कंबशन इतना ज्यादा टाइम नहीं लेता है। रस्टिंग कैन टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर वेयर एज कंबशन टेक्स प्लेस ओनली एट अ स्पेसिफिक इग्निशन टेम्परेचर। देखिए रस्टिंग क्या होता है, वो रूम टेम्परेचर पे भी हो जाती है ना, आयरन जैसे मॉइस्ट एरिया में से छोड़ दीजिए या फिर ऐसे काफी टाइम के लिए पड़ा है तो वो अपने आप ही उसमें जंग लग जाती है रूम टेम्परेचर पे ही, लेकिन कंबशन होने के लिए एक स्पेसिफिक इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना पड़ता है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने इग्निशन टेम्परेचर पे ही होगा, वो रूम टेम्परेचर पे नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि सल्फर और फास्फोरस ये तो बर्न हो जा रहे थे रूम टेम्परेचर पे ही, तो बेटा वो भी अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच कर ही बर्न हो रहे थे, ये बात अलग है कि उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा लो होता है, इसीलिए वो एयर के कांटेक्ट में आते ही तुरंत से एकदम से बर्न होते हैं और काफी मात्रा में हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक। लेकिन रस्टिंग में क्या है, ये रूम टेम्परेचर पे बहुत धीरे धीरे अपने चल रहा है, इसमें कोई एनर्जी भी प्रोड्यूस नहीं हो रही, इसीलिए हम इसे कंबशन नहीं मानते हैं, ठीक है।
और आपको यहाँ पे बहुत वेरिएशन देखने को मिलेगा। कुछ लोग इसको जो रस्टिंग है इसे स्लो कम्बशन मानते हैं, बट इसे हम स्लो कम्बशन नहीं कह सकते हैं। मैंने आपको कई सारे रीजंस बताए। और दूसरी बात, जब हम कम्बशन के टाइप्स पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने रैपिड कम्बशन पढ़ा था या स्पॉन्टेनियस कम्बशन पढ़ा था, एक्सप्लोजन भी पढ़ा था, लेकिन क्या वहां पे कोई भी एक ऐसा टाइप था कि इतना स्लो प्रोसेस होगा कि मतलब हफ्तों लग जाए? तो ऐसा कोई भी कम्बशन नहीं होता है, इसीलिए हम रस्टिंग को स्लो कम्बशन या कम्बशन नहीं मान सकते हैं। आइए अब हम इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है? देखिए, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा है, क्वेश्चन नंबर 13 आप बुक से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन समझा दे रही हूँ। देखिए, एक आबिदा है और एक है रमेश। वो लोग एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन्हें बीकर में वॉटर को गर्म करना है। तो आबिदा ने जो ये कैंडल फ्लेम है, हमें पता है कि इसमें तीन जोन होते हैं। ये जो आउटर मोस्ट जोन है ये ब्लू कलर का होता है, मैंने आपको कलर डायग्राम दिखाया था चैप्टर पढ़ाते टाइम, आप वहां से देख लीजिएगा। तो ये जो ब्लू कलर का नॉन ल्यूमिनस जोन होता है, जो सबसे बाहर की तरफ होता है, वो सबसे ज्यादा गर्म होता है। और ये जो ये बीच में ल्यूमिनस जो बहुत चमकीला जोन होता है येलो कलर का, वो मॉडरेटली हॉट होता है। और जो सबसे अंदर का डार्क कलर का होता है वो लीस्ट हॉट होता है, ठीक है? सबसे ही कम गर्म। तो आबिदा ने अपना बीकर जो है वो ये ल्यूमिनस जोन है, ये येलो वाला पार्ट, यहाँ पे बीकर को रखा हुआ है। मतलब बीकर, आबिदा ने अपने बीकर को यहाँ पे रखा हुआ है, बीकर में पानी भरा हुआ है, और उसने उसने अपने बीकर को जो येलो वाला जो ल्यूमिनस पोर्शन है फ्लेम का वहां पे रखा हुआ है। विक का मतलब होता है ये जो ये कैंडल में ऊपर की तरफ धागा निकला हुआ होता है ना, उसे विक कहते हैं। तो उसके पास, और रमेश ने अपना बीकर ये जो कैंडल का नॉन ल्यूमिनस जोन है जो ब्लू कलर का होता है वहां पे रखा हुआ है, इसमें भी वाटर भरा हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किसके बीकर का वाटर जल्दी गर्म होगा। आपको आंसर आता है, मुझे पता है, तो हमें वही चीज बस लिख देनी है। वॉटर इन रमेश बीकर विल गेट हीटेड इन शॉर्टर टाइम एज ही केप्ट द बीकर इन द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम विच इज द हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम एंड हैज अंडरगोन कंप्लीट कम्बशन। रमेश ने ये जो हॉटेस्ट जो आउटर मोस्ट पार्ट है, जो नॉन ल्यूमिनस पार्ट है, उसमें अपना बीकर रखा हुआ है ना, और हमें पता है कि ये जो ये नॉन ल्यूमिनस पार्ट होता है ये सबसे ज्यादा हॉट होता है, ये हॉटेस्ट जोन होता है फ्लेम का, और यहाँ पे कंप्लीट कम्बशन भी होता है, तो इसीलिए ये सबसे ज्यादा हॉट पार्ट होता है फ्लेम का, ठीक है? इसीलिए रमेश के बीकर का जो वॉटर है वो बहुत ही कम टाइम में गर्म हो जाएगा, जबकि जो आबिदा के बीकर का वॉटर है वो ज्यादा टाइम लेगा, है ना? वाइल द येलो पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम इज द मॉडरेटली हॉट जोन, क्योंकि आबिदा ने अपना बीकर येलो पार्ट में रखा है ना, जो ये नॉन ल्यूमिनस पार्ट था उसकी अपेक्षा बहुत ही कम गर्म होता है, तो इसीलिए आबिदा के बीकर का वॉटर बहुत ज्यादा टाइम लेगा गर्म होने में, और जबकि रमेश के बीकर का वॉटर बहुत ही कम समय में ही गर्म हो जाएगा। तो इसी के साथ इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। हमने चैप्टर अच्छे से समझ लिया था और एक्सरसाइज भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर ली है। तो अब भी अगर आपको इस चैप्टर में कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।